वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा? मैं अपनी बीवी को क्यों मारूं? बहुत प्यार करता था मैं उससे। झूठ। तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अचानक बैठे बैठे ये ख्याल कहां से आ गया तुम्हारे जहन में? गलत ख्याल है तो बताओ। तुम कोर्स गलत है। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो तुम्हें प्रपोज क्यों करता? खैर, प्रपोज करने की तो और भी बहुत वजूहत है। जैसे कि तुम मुझसे वाकई शादी इसीलिए करना चाहते हो ना क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, या कोई और वजह है? बहुत प्यास लग रही है, पानी लेके आता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? जी नाजरीन, अभी अभी खबर मिली है कि आयला नदीम के केस में उनके शोहर दानियाल ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा ना तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करती हूँ। चुप करके बैठो तुम। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी ये फजूल किस्म की मेडिटेशन और क्रिस्टल तुम्हारे बेटे को रिहा नहीं करवा सकती। जब हमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम क्या कर सकती हो? फिर भी आप वापस लेकर आए, वो कब तक रखेंगे उसे? अरे तुमने सुन तो लिया है, 3 दिन का रिमांड लिया है पुलिस ने, उससे पहले वो नहीं आ सकता यहाँ। लेकिन क्यों? किस सबूत की बात कर रहे हैं सहाफी? बकवास कर रहे हैं सारे। क्या सबूत हो सकता है? हम सब जानते हैं कि दानियाल ऐसा कर ही नहीं सकता। 3 दिन का रिमांड लिया है, कोई वजह तो होगी। नसीमा, कम से कम आप तो यकीन करें हम पर। आप तो ऐसा ना सोचे। तुम तो जानती हो दानियाल आयला से कितनी मोहब्बत करता है, जिद करके शादी की थी उसने। सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? अच्छा, मान लिया कि तुमसे ये जुर्म करवाया गया तो उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? कितने पैसों में वादा किया गया था?